أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. گزشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب کی بات ماننے سے منع فرمایا، اللہ کی رسی کو یعنی دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کو فرمایا، تقویٰ کا حکم فرمایا، راہ راست پر قائم رہنے کا حکم فرمایا، تفرقہ بازی اور اختلاف سے اپنے آپ کو بچنے کی تنبیہ فرمائی اور اس پر کامیابی کا وعدہ فرمایا. آج کے سبق میں اس اتحاد اور اس اتفاق میں دوام اور بقا کیسے آئے، اس کا طریقہ بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ذاتی اصلاح کے بعد بیٹھ نہ جائے، اپنی ذات کی اصلاح کے بعد دوسرے اللہ کے بندوں کی رہبری کرنا، انہیں راہ ہدایت کی طرف لانا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ آیات ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، وجعلنا ہداتم مہتدین، اے اللہ ہم کو ہدایت دینے والے اور ہدایت پانے والے بنا. مقصد یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کی آدمی فکر کرے، اپنے آپ کو درست کرے، راہ یاب کرنے کی کوشش کرے، صراط مستقیم پر گامزن رہے، اور اس کے ساتھ پھر دوسروں کو بھی اس ہدایت کی طرف بلائے، اس کی دعوت دے، اس کے لیے اسباب اور سامان مہیا کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. امتن کا اطلاق جماعت پر، گروہ پر اور ایک فرد پر بھی آتا ہے، جس کا کام ہو یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی اور اچھائی کی طرف بلائے. ظاہری بات ہے ولتکم منکم، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کے سب کو اندر ٹوٹ نہیں پڑنا ہے، بلکہ دین کے جو دوسرے شعبے ہیں اس کے کام کرنے والے وہ کام کریں گے،
दीन तो कई शोबाजात पर मुश्तमिल है, लिहाजा तमाम लोग बस एक ही काम करें ये मुश्किल है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक जमात और एक गिरोह कम से कम लाजिमन ऐसा होना चाहिए। लाम ताकीद के लिए है, वल तकुम में, और इसका मकसद ये है कि इस अच्छे काम के लिए किसी जमात का होना ये आम किस्म की बात और नसीहत नहीं है, बल्कि लाजिमन और ताकीद के साथ ये बात कही जा रही है कि ऐसी जमात का वजूद चाहिए जो खैर की तरफ बुलाने वाली हो। इस आयते करीमा में इंसानी इसलाह के लिए तीन उसूल और तीन दस्तूर बयान फरमाए हैं। खैर से मुराद क्या है? वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदउन इलल खैर, ये खैर क्या है? मुसनद अहमद, तिरमिजी, इब्ने वाजा वगैरह की रिवायत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यदउन इलल खैर का मतलब है इत्तिबाए कुरान और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इसमें पूरा दीन आ गया, कुरान करीम के फरामीन पर चलना और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और अहादीस पर अमल करना। इसके बगैर ये खैर जो है उस पर अमल नहीं हो सकता। कुरान करीम ये अल्लाह का इंसानियत के नाम कयामत तक के लिए एक दस्तूरुल अमल है, एक असासी कानून है, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की शरह है। मेरे वालिद साहब फरमाते थे, जिन्होंने 50 साल तक दारुल उलूम अशरफिया में बुखारी शरीफ का दर्स दिया और कई साल जलालैन और दूसरी अहदीस की किताबें पढ़ाई, वो फरमाते हैं कि अहादीस क्या हैं? जो सही अहादीस हैं, जो सनदों से साबित हैं, वो सब कुरान करीम की शरह है। वह कुरान करीम वही मतलू और वही जली है और सुन्नत वही खफी और बातिनी। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने तैमिया, हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम हजरात यही तफसील बयान फरमाते हैं। दीन की तालीम और उसके ताल्लुम के लिए सूरह तौबा के अंदर एक और आयत है, फलौला नफर मिन कुल्ल फिरकतिम मिनहुम ताइफतुल यतफक्कहू फिद्दीन वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। यानी ऐसा क्यों नहीं होता
कि हर बस्ती में से एक जमात दीन की तालीम हासिल करती और फिर वापस जाकर अपने कौम को डराती, उनको अहकाम इलाही से खबरदार करती और दीन पर अमल करने की उन्हें तलकीन करती। आज के दर्स में यही तो हुक्म आ रहे हैं, तीन इस्लाह के उसूल बयान फरमाए हैं कि उस एक जमात का काम यह होगा कि वो खैर यानी कुरान करीम के अहकाम और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, ये दो मिलकर तो दीन बनता है, ये पूरे दीन की दावत देने वाले हों, ताकि इंफिरादी और इज्तिमाई दोनों जिंदगियां दुरुस्त रह सकें। पहले तरीका जो बताया था उससे जाती इस्लाह, और अब ये जो तीन बातें बतला रहे हैं, दावत इलल खैर, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, तो फिर पूरी सोसाइटी का निजाम दुरुस्त हो जाएगा, उनकी इस्लाह हो जाएगी, फिर इंतशार खत्म हो जाएगा, तफरकाबाजी खत्म हो जाएगी, आपस में मेल मिलाप मोहब्बत और इत्तेहाद रहेगा। ईमान के तीन दरजात से मुताल्लिक मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मौजूद है। यजीद की खिलाफत का जमाना था, यजीद खुद तो इतना नेक नहीं था, ताहम उसके बाद उसका बेटा मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुआ, जो नेक आदमी था, मगर वो ये बोझ को 2-3 महीने से ज्यादा बर्दाश्त न कर सका, दुनिया से चला गया। सन 65 हिजरी में मरवान इब्ने हकम खलीफा बना। इस जमाने में भी सहाबे किराम ताबईन बड़े किबार अहले इल्म लोग मौजूद थे। ईद का दिन था और खलीफे वक्त मरवान अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ थामे नमाज के ईद के लिए जा रहा था। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के छोटे सहाबे किराम में से हैं, फिर नौजवान हुए, फिर पूरी जिंदगी दीन के ऊपर दायम कायम रहकर दीन की दावत और हक की दावत, ये तो हर सहाबी का काम था, सबने अपने जिम्मे इसको ले लिया था कि हमें दीन जिंदगियों में लाना भी है और दूसरों को इसकी दावत भी देना है। पूरे आलम में सहाबे किराम फैल गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को पूरा करने के लिए। जब ईदगाह में पहुंचे तो मरवान ने हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ छुड़ा दिया और जबरदस्ती मिंबर के ऊपर जाने लगा। हरचंद के हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको बहुत रोका, मना किया कि ईद के रोज पहले नमाज, उसके बाद खुतबा होता है, लेकिन वो बजिद रहा, मिंबर पर चढ़ गया और उसने खुतबा देना शुरू कर दिया। अहले बैत और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरों की बुराइयां बयान करता था, इसलिए लोग खुतबे के जो नमाज के बाद खुतबा देता था तो लोग चले जाते थे, सुनते नहीं थे ये अफवाह को।
तो उसने ये तरतीब निकाली कि जब पहले बयान करूंगा तो सुनने पर मजबूर हो जाएंगे, तो लोगों ने दूसरी तरतीब निकाली, देर से आने लगे, बिल्कुल इसका बयान खत्म हो जब आने लगे। जैसे आज भी लोग जुमा में बयान को पसंद नहीं करते या उनकी तबीयत पर बोझ पड़ता है, वो बिल्कुल आखिरी लम्हे में जब खुतबा शुरू होने वाला होता है आते हैं, जल्दी जल्दी खुतबा नमाज पढ़ते हैं, सुन्नतें वगैरह कुछ नहीं पढ़ते, चल देते हैं। आज देखिए क्या हाल हो गया, मस्जिदें बंद हैं, जाओ नमाज पढ़ने से ही तुमको महरूम कर दिया। सुन्नतों से भागते थे, नवाफिल से भागते थे, बयानात से भागते थे, अब दरवाजे खटखटाओ लॉक कर दिए गए हैं, अल्लाह ताला नाराज हैं। कैसे हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला इन हालात से अपने अल्लाह वाले बंदों के आंसुओं के जरिए से और उनकी आहुजारी और उनकी दुआओं के जरिए से हमें नजात अता फरमाए। जब वो बयान दे रहा था मरवान, तो एक साहब खड़े हो गए और बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, अस्सलातु कबल अल खुतबा, यानी पहले नमाज है उसके बाद खुतबा है। पहले जुमा में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद खुतबा दिया करते थे, इरशाद फरमाया करते थे, लेकिन एक मरतबा तिजारती काफला आया और लोगों को सख्त गल्ले और अनाज की जरूरत थी, उसके ब्यूगल बजाने पर हुजूर को छोड़कर सहाबे किराम चले गए, जो एक गलती थी। 12 आदमी खाली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए। उसके बाद सरजनिश भी की गई, इताब भी किया गया कि रसूल को अकेला छोड़कर दुनिया के पीछे चल पड़े। आइंदा से दस्तूर बनाया कि पहले खुतबा होगा जुमा के दिन, उसके बाद नमाज होगी। जब अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स का यह ऐलान सुना, तो इरशाद फरमाया कि अम्मा हाजा फकत कजा मा अलैह, इसने अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का हक अदा कर दिया। और फरमाया कि मैंने खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से सुना है। आपने इरशाद फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदी, जो कोई बुराई देखे और बुराई को दफा करने की उसमें ताकत और कुव्वत हो, इख्तदार हो, उसके पास पावर हो, तो वह हाथ से रोके। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यह हुकूमत का काम है, ताकत के जरिए से बुराइयों को और रुसूम को और बिदआत को रोकना, गलत बातों को रोकना। फिर दूसरा दर्जा बयान फरमाया, कुछ लोग ऐसे नहीं होते और सब ऐसे नहीं होते कि ताकत से जो है वो बुराइयों को रोक सकें, तो फिर फरमाया कि दूसरा दर्जा आता है, फइल्लम यस्ततिअ फबिलिसानी, अगर हाथ से रोकने पर कुदरत नहीं है, ताकत नहीं है, तो फिर जबान से उसकी बुराई को, उसकी शनाअत को बयान करें, कहे। इसलिए फरमाया कि उलमा जहां बिदआत, रुसूम, शादियों की खुराफात, फोटोग्राफियां हो रही हो, वहां न जाएं।
और अगर जाएं तो इस तरह के उनके अंदर रोकने की ताकत हो कि वो अपनी जबान और अपने रौब की ताकत से उनको रोकने पर कादिर हैं तो जाए, नहीं कुछ कर पाएगा तो न जाए, क्योंकि लोग इसको दलील बना लेंगे कि फलान साहब बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, अगर यह चीज बुरी होती तो वो बुरा कहते ना। तो बुराई को देख कर बैठे रहना और बुराई पर कमेंट न देना और बुराई से लोगों को न रोकना जबानी तौर पर भी, ये बड़े कमजोर ईमान की बात है। तीसरा दर्जा बयान फरमाया, फइल्लम यस्तते फबिकल्बी। एक दौर तो ऐसा आने वाला है कि बुराई को लोग बुराई ही नहीं समझेंगे बल्कि उसकी फेवर के अंदर तकरीरें करेंगे। कम से कम कमजोर ईमान यह है कि आदमी बुराई को दिल से बुरा तो समझे, दिल में उसकी बुराई और खराबी और शनाख्त तो हो, और ये भी नहीं है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलैस वरा अज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदलिन। अगर ये दर्जा भी नहीं है तो गोया दिल में ईमान का कोई दर्जा नहीं है, राई के दाने के बराबर ईमान नहीं है, यानी कुछ नहीं है, साफ सफन सफा है। जहां इंसान के दिल में ईमान होता है, ज़ौक़े ईमानी होता है, वो खिलाफ ईमान और खिलाफ दीन बात जब देखता है यकीनन उसका दिल कुड़ता है, उसको रंज होता है, गम होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, लतामुरुन्न बिल मारूफ। मारूफ नेकी को कहते हैं, भलाई को कहते हैं, और ये लोगों के दरमियान शाये जाये है, मशहूर है, इसलिए इसका नाम मारूफ। हर भलाई मारूफ है, नमाज है, रोजा है, जकात है, हज है, ये सब मारूफ है, सुन्नतें हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सब मारूफ हैं। मारूफ के माना मशहूर हैं, और मुनकर को मुनकर इसलिए कहते हैं कि वो काबिले नकीर हैं, काबिले नकारत हैं, नफरत के लायक हैं, उससे दूर रहना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतामुरुन्न बिल मारूफ, तुम जरूर भी जरूर नीकी के काम करते रहो और उसका हुक्म करते रहो और बुराई से रोकते रहो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो लयूशिकन्न अल्लाहु यबअस अलैकुम इकाबा। तो मुंतजिर रहो कि किस वक्त अल्लाह का आजाब तुम्हारे ऊपर आ जाए। सुम्मा लतदउन्नहु फला यस्तजीब लकुम। फिर तुम हाथ उठाकर दुआएं करोगे, तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारे अहबाब की जिंदगियों में बुराइयां हैं, तुम मुंह तकते रहे, कुछ कह ना सके, हक बात बयान न की, तो फिर दुआ के लिए हाथ उठाओगे, दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से गफलत का नतीजा ये है
कि दुआओं की कबूलियत से महरूमी हो जाती है। मुफस्सिर कुरान इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउन इलल खैर, के अल्फाज से जाहिर होता है कि तबलीग दीन का काम फर्ज किफाया है, क्योंकि ये काम एक गिरोह और जमात के सुपुर्द किया गया है, सबके सब मुसलमानों पर इसका हुक्म नहीं लगाया है। अगर तमाम अहले इस्लाम के लिए जरूरी होता तो नमाज रोजे की तरह इसको फर्ज ऐन करार देते। फर्ज किफाया का मतलब यह है कि अगर आमतुल मुस्लिमीन में से कुछ लोग भी इसको अदा कर लें तो सबकी तरफ से अदायगी हो जाएगी, और कोई शख्स भी अगर इस फर्ज को अदा ना करे तो सबके सब गुनाहगार होंगे। इसलिए बुनियादी तालीम के लिए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हमारी औलाद की तालीम के लिए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम, दीन की इब्तिदाई और जरूरी तालीम और मालूमात का हुसूल और मसाइल का जानना ये फर्ज आयन है। ये तो हर एक को सीखना है, हर छोटे बड़े का ये फरीजा है। और वो बात जो ऊपर फरमाई वो फर्ज किफाया के दर्जे में है कि कौम के चंद लोग इस काम के अंदर बराबर लगे रहें, जुड़े रहें और दूसरों की इसलाह की फिक्र करते रहें। और ये भी नहीं है कि नमाज न पढ़े तो नमाज से रोकेंगे, वो पहले से खैर की दावत देते ही रहेंगे, नमाज नमाज, रोजा तिलावत, अच्छे आमाल की दावत लोग कर रहे हो कि न कर रहे हो, लेकिन इनका सिलसिला जो है दावत देने का बराबर जारी रहेगा, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन कौमिन युअमलु फीहिम बिल मआसी, जिस कौम में बुराइयों का इर्तिकाब हो रहा हो और कौम के लोग कुदरत रखने के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद, उस बुराई से रोकने की हिम्मत होने के बावजूद उसको रोकने की कोशिश न करें तो अल्लाह ताला सबको सजा देगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुराई से मना न करने की बीमारी सबसे पहले बनी इसराइल के अंदर शुरू हुई। जब कौम के लोग मासी और गुनाहों में मुब्तला हुए तो इब्तिदा में बाज लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बुराई करने वाले जब बुराई से बाज ना आए तो बाकी लोग भी उनके साथ शामिल हो गए, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना, और उनकी नजर में वो जो बुरे काम थे वो गोया बुरे न रहे। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने सबको मलऊन करार देकर सजा में मुब्तला कर दिया।
लिहाजा एक जमात बड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जिसका रात दिन काम लोगों को बुराइयों से बचाने की दावत देना, अच्छाइयों की दावत देना, सुन्नतों की तरफ बुलाना। और जाहिरी बात है कि कौन बुलाएगा, जिसके पास इल्म सही होगा तो वो सही दावत देगा। इसलिए ये लोग जो दीन की तरफ बुलाने वाले हैं, उनके पास इल्म भी इतना होना चाहिए। आम चीजें हैं जिनको लोग जानते हैं, उसकी दावत तो आम है, लेकिन बाद नाजुक मसाइल होते हैं जिनसे रोकना होता है या जिनको बताना होता है, उसके लिए अहले इल्म दरकार है, उसके लिए इल्म जरूरी है। वरना इल्म के बगैर नादानी में वास कहेगा, तो बजाय इसके कि लोग राहियाब हो जाएं, दल्लू फादल्लू का मिज़दाक हो जाएंगे। और दावत देने वाले के पास हिकमत, दानाई और समझ भी होनी चाहिए। उदुउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ दीन की तरफ बुलाना है। मेरे वालिद साहब फरमाते हैं कि अजमेर शरीफ में एक पठान वुजू बना रहा था, दूसरा पठान पीछे खड़ा था। वो जो वुजू बना रहा था वो सही नहीं बना रहा था। पीछे से इस दूसरे ने पहले को बड़ी जोर से डांटा कि इतनी तेरी बड़ी उम्र हो गई, तुझे वुजू करना तक नहीं आता। वो इतना झुंझला गया कि मस्जिद छोड़कर चला गया। कहने लगा, क्या तुम्हारे बाप का मस्जिद है? तुम्हारे बाप का वुजू है? तुम्हारा अब्बा का नमाज है? छोड़कर चला गया। और शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक वजू करने वाले को देखा कि उसकी एड़ियां खुश्क रह जाती हैं, तो जिस मस्जिद में एतिकाफ कर रहे थे, जब वो शख्स वजू बनाने के लिए आया जो रोजाना गलत वजू बनाता था, उसके सामने बैठकर उससे कहा कि देखो, मैं वजू करता हूं और जब मैं एड़ियां धोऊं तो जरा तुम अच्छी तरह देखना, क्योंकि अक्सर मेरी एड़ियां खुश्क रह जाती हैं, और ये एड़ियां खुश्क रह जाए तो वैलुल लिल अकाबी मिनन नार की वईद है। वुजू नहीं होगा, वुजू नहीं होगा तो नमाज भी नाकाबिले कबूल होगी। फिर जब एड़ियां धोने का मौका आया तो खूब धोकर उसे बताया। उसने कहा, हजरत आप तो बरसों से यहां मोतकिफ हैं, ये आपने असल में मेरी गलती, मेरी एड़ियां खुश्क रह जाती थी, लेकिन क्या प्यारा तरीका इख्तियार फरमाया, डांट डपट करने के बजाय हिकमत का रास्ता इख्तियार फरमाया। तो दीन की बात पहुंचाने के लिए जो बात पहुंचाई जा रही है, उसका अच्छा इल्म भी होना चाहिए। वो नेकी हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें दावत देते ही रहना है। अपनों को भी दावत देना है, अग्यार को भी दावत देना है, दूसरों को भी दावत देना है। एक हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयती, तुम में से हर एक आदमी अपने अंडर में जो लोग हैं उसका जिम्मेदार है, उनकी इसलाह करना। जैसे घर का बड़ा फर्द है तो घर के अफराद की इसलाह करना,
मस्जिद का इमाम है तो अपने मुक्तदियों की इस्लाह करना, कौम का मुक्तदा और आलिम है तो कौम में आने वाली खराबियों पर उनको मुतनब्बे करना। हर आदमी अपने दायरे कार के अंदर एक जिम्मेदार है, एक रिस्पॉन्सिबल है। और उसी दर्जे में उसकी जिम्मेदारी है। अमर बिल मारूफ भी मुख्तलिफ दराजात रखता है और उस पर अमल कराने की भी उसी के एतबार से अहमियत है। मसलन नमाज, रोजा फर्ज है तो वहां नमाज और रोजे का हुक्म भी फर्ज होगा। जो चीजें नवाफिल से ताल्लुक रखती हैं उसकी दावत देना नफल होगा। तो बहरहाल मसाइल से वाकिफियत बहुत जरूरी है ताकि हम दूसरे को सही मसला बता सकें, वरना हम गलत बताएंगे, खुद भी गलत अमल करेंगे, सामने वाले को भी गलती में मुब्तला करेंगे। बहरहाल आज का ये सबक था रमजानुल मुबारक से मुताल्लिक। एक बात रोजाना अर्ज करता हूं, एक हदीस शरीफ में फरमाया, असौम जुन्ना, रोजा ढाल है, गुनाहों से ढाल है, गुनाहों की ढाल है। गुनाह आएंगे तो रोजे के जरिए से उसको रोका जाएगा, गलत कामों से अपने आप को बचाया जाएगा, नेकियों में अपने आप को लगाया जाएगा। जब तक ये ढाल को तोड़ न दिया जाए, फाड़ न दिया जाए, इसमें सुराख न कर दिया जाए, रोजे की बड़ी अहमियत है, बड़ी अहम इबादत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कोई बेमिसाल अमल बयान फरमाइए, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम, रोजा रख, फइन्नहू ला मिसला ला, ये बेमिसाल इबादत है। अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक महीना अता फरमाया है, अल्लाह ताला इसकी कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहू व लकल मुल्कु कुल्लुहू व लकल शुक्रु कुल्लुहू व इलैक यरजिउल अम्रु कुल्लुहू अलानियतुहू व सिर्रुहू। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अब्रार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिया लिमा मनअत वला रद्द लिमा कदैत वला यनफ़ऊ ज़ल जद्द मिनकल जद्द या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शानना कुल्ला वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत आईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका दवाम अलाफिया, तमाम अलाफिया। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका शुक्र अल आफिया, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा। हे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा। दर दर की ठोकरें खाकर नाकाम होकर अल्लाह तेरे दरवाजे पर आए हैं, अल्लाह अपने दरवाजे से हमें महरूम न फरमा। अल्लाह, इतने बड़े गुनाहगार हैं कि हमारे गुनाह जाहिर हो जाए तो लोग हमसे नफरत करें, हमसे दूर भागें। पहले तो अल्लाह ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन ये कोरोना वायरस के जरिए से समझ में आया, एक दूसरे से लोग दूर होने लगे।
बीमारी वाले से भागने लगे, उसका जनाजा दफनाने के लिए तैयार नहीं, उसकी मैयत को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं, उसको बड़ी खतरनाक नजरों के साथ देखा जाने लगा। अल्लाह ऐसी हालत से हमारी हिफाजत फरमाइयो, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाइयो। तूने सत्तारी का मामला हमारे साथ कर रखा है, अल्लाह कल आखिरत में भी पर्दापोशी का मामला फरमाइयो। और अल्लाह बरसरे महशर रुसवाइयों से बचा दीजियो, दुनिया और आखिरत में इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा। ये टूटे फूटे रोजे, इबादतें, तिलावतें, सखावतें, मुनाजात, ये रोना धोना, ये टूटा फूटा जो कर रहे हैं, अल्लाह तू अपने फजल से इसे कबूल फरमा। रहम के और करम के फैसले फरमा, तेरे अलावा कोई नहीं है करम करने वाला और तेरे अलावा कोई नहीं है मग़फ़िरत करने वाला और तेरे अलावा कोई नहीं है रहम का मामला करने वाला। अल्लाह रहम के फैसले फरमा दे, उम्मत के साथ खैर के फैसले फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे, हमें नेकियों का करने वाला, नेकियों की दावत देने वाला, बुराई से बचने वाला, बचाने वाला, अपनों को दूसरों को खैर की तरफ बुलाने वाला बना दे, जिम्मेदारी का एहसास अता फरमा। अल्लाह गैर जिम्मेदारी से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी और हमारे घर वालों की, हमारी औलाद की, पूरी उम्मत की इसलाह फरमा। ए अल्लाह ये दुआएं अपने फजल करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।